अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है। ये बात हमीरपुर में प्रदेश पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र अतिनी ने ईवीएम पर कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए कही। अतिनी ने कहा, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, उस दौरान तो कांग्रेस ने ईवीएम की भूमिका को ठीक बताया है, लेकिन अब एग्जिट पोल के नतीजे भाजपा के फिर सरकार बनाने के दावे को प्रमाणित कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता फिजूल की बयानबाजी में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली है। ये बात हमीरपुर में प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने ईवीएम पर कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए कही। अत्री ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, उस दौरान तो कांग्रेस ने ईवीएम की भूमिका को ठीक बताया है, लेकिन अब एग्जिट पोल के नतीजे भाजपा के फिर सरकार बनाने के दावे को प्रमाणित कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता फिजूल के बयानबाजी में लगे हुए हैं। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा के निर्वाचन आयोग पर निष्पक्ष चुनाव न करवाने के बयानों पर नरेंद्र अत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन आयोग के कार्य पर संदेह करना अपनी संभावित हार के अलावा कुछ नहीं है। चुनावों के परिणाम से ठीक 2-3 दिन पहले कांग्रेस द्वारा या उसके प्रत्याशी द्वारा ईवीएम की भूमिका एवं बूथ कैप्चरिंग के जो आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और अपनी हार का बहाना अपनी नाकामियों की बजाय ईवीएम पर दोष मढ़कर बचना चाह रही है, जबकि वास्तविकता यही है कि देश की जनता ने जिस तरह मीडिया के माध्यम से, पूरे देश भर के अलग अलग चैनलों के माध्यम से, एग्जिट पोल के माध्यम से पता चल रहा है और पहले भी एक तरह से पूरे देश भर में जो राय बनी थी कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक उसी तरह का रुझान टीवी चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है और कांग्रेस नेतृत्व परिणाम आने से पहले ही बहानेबाजी करके जनता को एक बार फिर से बरगलाने की असफल कोशिश कर रही है, जो होने वाला नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा के अपने बेटे आश्रय शर्मा पर किए बयान पर नरेंद्र अत्री ने कुछ भी कहने से इनकार किया है और कहा कि ये सारा मामला पार्टी हाईकमान के विचाराधीन है और सही समय पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। कि मैंने पहले भी कहा, ये केवल बहानेबाजी है। निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी संभावित हार का ठीकरा फोड़ने की तरह ये एक बहाना है जो आधारहीन है, गैर जिम्मेदाराना है। देखिए, किस फोर्स को कहां लगाना है, ये इलेक्शन कमीशन का विशेष अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार की कोई भूमिका होती है और इतनी जानकारी तो कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी मुझे लगता है होनी चाहिए कि कौन सी फोर्स कहाँ लगती है। ये विशेषाधिकार चुनाव आयोग का होता है।